ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਸਾਜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का मैं दिल की अथाह गहराइयों से चक गुजरा अहमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदेद कहता हूँ। बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, कोई तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं अभी इस प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तलावत इकराम पाक से करता हूं और साथ नात भी होगी। इसके बाद सर सा ये प्रोग्राम होगा। राय साहब ने चूँकि आगे भी जाना है, मसरूफियात हैं इनके, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि ये तशरीफ़ लाए। और तलावत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद समी और तलावत को थोड़े खूबसूरत सुना दूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم sallallahu alayka ya ya rasul
गाया हबीब अल्लाह रौन के माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह बाकायदा कलाम पाक के इस और हम नात पाक से इस महफ़िल का आगाज़ हो चुका है, जो कि ये मसरूफियत के दिन है। राया साहब ने भी इतनी लंबी देर नहीं बैठना, ज़्यादा देर नहीं बैठना, तो जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए दो दो चार चार मिनट के लिए हाजिरी के पेश के तौर पर पेश करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ जनाब चेयरमैन यूसी दबेरन कलां राजा नदीम अहमद साहब, भरपूर क्लैपिंग है जी, भरपूर क्लैपिंग की सूरत में अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए राजा नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत स्टेज के मेज़बान आसफ मोहतरम भाई आसफ नूरानी साहब, चौधरी सुहेल साहब, चौधरी अरशाद साहब और बाकी चौधरी शहर गुजर, चौधरी असद अजीज, बाकी जितने चौधरी बरादरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, चौधरी राज जफरान साहब व दीगर, आसफ पट्टी साहब, चौधरी विकास साहब,
और जितने भी हैं चौधरी सुभान साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप ब्रदर्स का आज के इस खूबसूरत दिन पे हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब इंशाल्लाह एमपीए राजा सगीर अहमद साहब आज आप में यहाँ मौजूद हैं। हकीम अमजद साहब आपका शुक्रिया, राय सही साहब आपका शुक्रिया। मेरे भाइयों दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो हल्का PP7 का जिमनी इलेक्शन है इसमें पूरे पाकिस्तान की पूरे पंजाब की नजरें इस पे लगी हुई है। मेरे भाई राजा सगीर साहब दो बार इलेक्शन लड़े आजाद, हमने इनकी ठीक है एक पार्टी से तल्लुक था इनकी मुखालफत की, अल्लाह ने इनको उस वक्त इज्जत दी हमको शिकस्त, लेकिन हमने तस्लीम किया इनको। इन मेरे भाई राजा सगीर साहब ने इस इलाके के लिए अरबों रुपए के काम कराए, इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की PTI उनसे फंड लिए तो उन्होंने अपनी और 5 वोटें PTI को दी, उनकी हुकूमत बनी, PTI के किसी बंदे ने राजा सगीर अहमद को वोट नहीं दी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जितने PTI का इलेक्शन जब ये जनरल इलेक्शन हुए थे तो PTI वालों ने सारी वोट मुर्तजा सत्ती को दी थी, ये आजाद इलेक्शन लड़े थे, हमने मुस्लिम लीग नून को वोट दी थी। इनके इनको जो लकब दिया जा रहा है वो लकब जा रहा है जो बंदा पहले पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े वहां से MPA बने, उसके बाद